हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्णिता इजी हेल्प। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, टेकन बाय द आरबीआई। सो नंबर वन इज़ योर क्वालिटेटिव मेजर्स, या फिर हम इनका सेलेक्टिव मेजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का जो फ्लो है वो कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में ही किया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही किया जाता है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स में नहीं किया जाता है। आपका यहाँ पे नंबर वन जो मेज़र है वो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाती है लोन एंड एडवांसेस की। आरबीआई क्या करती है, बैंक्स के लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है लोन एंड एडवांसेस की। उस लिमिट से ज़्यादा कोई भी कमर्शियल बैंक लोन या एडवांस नहीं दे सकते। तो नंबर वन तो ये हो गया। नंबर टू है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में वो क्या करती है, आरबीआई यहाँ पे मीडिया का यूज़ करती है। आरबीआई यूजेस मीडिया, ठीक है, मास मीडिया का यूज़ यहाँ पे करती है पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी में वो क्या करती है, अपने व्यूज़ को पब्लिश करती है, या फिर जो करेंट मार्केट कंडीशन चल रही है, या फिर उसे कोई भी गाइडलाइन देनी है या कुछ भी बताना है कमर्शियल बैंक को, तो वो इसलिए वो पब्लिसिटी करती है मीडिया के थ्रू, ठीक है, और इसको कमर्शियल बैंक के द्वारा इम्प्लीमेंट करना होता है मार्केट सिचुएशंस को, क्रेडिट कंट्रोल को रोकने के लिए, ठीक, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में इसका नाम ही है डायरेक्ट एक्शन। यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई को पूरी अथॉरिटी है टू टेक डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई हैज़ फुल अथॉरिटी टू टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट यानी कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब वो डायरेक्ट एक्शन कैसे लेगी, क्या वो क्या कर सकती है, या तो वो रिफ्यूज़ कर सकती है उनके बिल या सिक्योरिटीज़ को रीडिस्काउंट करने से, ठीक है, या फिर वो क्या उनको पेनलाइज कर सकती है, कोई पेनाल्टी लगा सकती है उनके फॉर्म में। पेनाल्टी कैसे, या तो वो रेट्स को हाई या फिर लो कर देगी, उनके लिए कुछ रेट्स को हाई या लो कर देगी, ठीक है, या फिर वो ऐसा कर सकती है कि क्रेडिट की जो सप्लाई है वो उनके लिए रोक सकती है, कि वो उन्हें उधार देने से मना कर सकती है, क्रेडिट की सप्लाई उन्हें को रोक सकती है। एक ये हो गया डायरेक्ट, इतने तरीके के वो डायरेक्ट एक्शन ले सकती हैं। और आपका एक है मॉरल सेशन, ठीक है, फोर्थ वन इज़ योर मॉरल सेशन। मॉरल सेशन में क्या होता है, ये एक तरीके का मॉरल पर्सुएशन होता है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का मॉरल पर्सुएशन है। सेशन का मतलब ही होता है एक्ट ऑफ एडवाइस, अर्जिंग और अटेम्प्टिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बनाया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक एक प्रोसीजर बनाती है जिसको कि अप्लाई करना होता है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो मॉरल सेशन के अंदर प्रेशराइज किया जाता है कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के द्वारा उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, दैट इज़ नोन एज योर मॉरल सेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाम है, क्या नाम है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सपोज डैट या बैंक अगर लोन कॉमर्शियल बैंक के लिए गाइडलाइन फिक्स कर दी जाएगी, अगर वो 1 लाख रुपीज़ का लोन एडवांस दे रहे हैं, सॉरी अगर वो 80,000 रुपीज़ का लोन एडवांस देंगे, तो उसकी प्लेस पे वो क्या एज अ मॉर्टगेज 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी रखवाएंगे। तो यहाँ पे 20% आपका क्या हो गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपए की वो पहले अपने पास कुछ संपत्ति रखवाएंगे, फिर वो उस पर क्या करेंगे, 80,000 रुपये का उनको लोन या एडवांस देंगे, ठीक है। ये होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मीन्स कुछ मार्जिन के बेसिस पे, पूरा फुल का फुल लोन नहीं देना है, कुछ लोन और मॉर्टगेज के बीच में क्या करना है, एक मार्जिन रखना है, डैट इज़ नोन एज योर मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ओके, थैंक यू गाइज, आई होप सो यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी द शॉर्ट्स वीडियो ऑल्सो।